हेलो गाइस, वेलकम ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आप नेक स्ट्रोक से कैसे डिफेंड कर सकते हो, सिंगल हैंड नेक स्ट्रोक को आप कैसे डिफेंड कर सकते हो। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली उस चीज को कवर करने वाले हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं आपको पहले ही देना चाहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस का मतलब, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए, आपका अटैक सही होनी चाहिए, आपकी अलर्टनेस होनी चाहिए। आपको ये देखना है अवेयरनेस के साथ में कि आप किस टाइम पे कौन सा अटैक दे सकते हो। वैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में नहीं घुसना है, मैं आपको दिखाऊंगी जरूर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी, लेकिन जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है कि आप सिंपली उस ट्रिक को कितना यूजफुल बना सकते हो अपने लिए। चलो अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी आप देख रहे हैं मेरा नेक शो कर रखा है, तो मैं जो हाथ के क्लोज है उस हाथ से पहले नीचे की तरफ प्रेस करूँगी, अब दूसरे हाथ से ग्रिप बनाई और इसको इस चीज़ को लो कर लिया। अभी देखो ये इसकी पूरी बॉडी मेरे ग्रिप में है। अब यहाँ से मैं थोड़ा टर्न करूँगी। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इसके नेक को चोक नेक को होल्ड कर रखा है और यहाँ से इसके शोल्डर को लो कर रखा है। तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रेशर दूँगी तो इसका नेक चोक हो रहा है एंड कम आउट। तो सिंपल सी टेक्निक है, आप फिर से दे सकते हो, बिल्कुल स्लो करके दिखाऊंगी। अब इसे तो देखो, अभी आप उसके दो हाथ उसके क्लोज है, यहाँ से एक हाथ से अपने से क्लोज किया, दूसरे हाथ से ऐसे यहाँ से लॉक किया। तो अब ये इतना इफेक्टिव लॉक है कि इसकी शोल्डर आपके ग्रिप में है और आप यहाँ से चाहो तो ईजिली इसको तोड़ भी सकते हो। अब सेकेंड इसको ऐसे घुमाया, यहाँ से नेक होल्ड कर लिया। अब इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करोगे, डबल अटैक हो रहा है उसका, उसका नेक भी चोक हो रहा है, शोल्डर भी चोक हो रहा है। इसको पीछे की तरफ प्रेस करो, वो पूरा आपके साथ कंट्रोल में एंड। सबसे पहले एल्बो से नीचे की तरफ पावरफुल अटैक देना है, ध्यान रखना, और एक सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं आपके पास। डाउन, इस हाथ को ऐसे घुमाया और इसको टर्न करो। अब यहाँ से ये इंसान आपके कंट्रोल में, आप दूसरे हाथ से इसे लॉक बनाओगे और इसको निकल के, और ये इतना इफेक्टिव है कि सामने वाले को डबल लॉक लग रहा है, लेकिन आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यूजुअली सेल्फ डिफेंस के टाइम पे ये तब ही होएगी अगर सामने वाला बिल्कुल ही अनअवेयर है। लेकिन मान लो अगर मैं इस सिचुएशन में, कि मेरे पास मेरे ऊपर ट्राई करने की कोशिश करी, तो मैं हाथ ही छुड़ा सकती हूँ। तो डोंट अज्यूम एनीथिंग, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको जब तक बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं इसको रियल लाइफ में ऐसे कर रही हूँ, अरे तो मैं आपको बता रही हूँ कि रियल लाइफ में कि अगर मैं इसको अटैक देने की कोशिश करूँ तो कैसे खुद को बचा सकती हूँ, मेरी हिम्मत कैसे मुझे बोलेगी। ये भी हो सकता है, कुछ भी अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला बिल्कुल ही आराम से आपके हाथों में आने के लिए तैयार है। लेकिन अगर यही चीज़ें मेरे साथ कर लें, ठीक है, तो अगर मैं यही जो ट्रिक हमने आपको बताई, अगर मैं उसी ट्रिक से करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आप को बचाओगे, मुझे कोशिश करनी है कि आपको अपने ग्रिप में लेना है। तो नाउ स्टार्ट, ठीक। आप एक चीज़ मान सकते हो कि अगर आपके सामने कोई भी नॉन प्रैक्टिशनर है जिसके सामने आप ऐसे कोई भी नई चीज़ करने की कोशिश करोगे, तो अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके जीतने के। लेकिन अगर आप सिर्फ यूट्यूब से देख के एक दो बार प्रैक्टिस करके सोच रहे हो कि हाँ इस टाइम पे इसने चोक कर रखा है तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो और एक और चीज़ जो आप गलती कर सकते हो इस पर, इसको करते टाइम लाइक करो, तो अगर मेरा हाथ इसके ग्रिप में नहीं आया, मान लो गलती से इसके मेरा हाथ ऐसे छोड़ दिया, तो मैं यहाँ से इसके नेक को भी ग्रिप कर सकता हूँ। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि आपको उसके हाथ को लॉक करना है, और एक और चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग हिप होना चाहिए क्योंकि दूसरे वाला हाथ उसका खाली पड़ा है। मान लो तो अगर इसके ये हाथ कंट्रोल में आ गया, अब अगर इसकी स्पीड मतलब जैसे इसने अभी मुझे बहुत ही स्लोली लॉक कर रखा है, तो मैं इस हाथ का यूज़ भी तो कर सकती हूँ, यहाँ से अटैक दे सकती हूँ, पंच दे सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, इसको ऐसे टर्न कर सकती हूँ। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। मैं चाहती हूँ सेल्फ डिफेंस में आपको बता रही हूँ कौन से यूज़ कर सकते हो, लेकिन साथ में आपको बता रही हूँ आप गलतियाँ जो आप कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप इस वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके काम आया होगा, और डू
और डोंट्स, दोनों को ध्यान में रखना है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, अपने स्टैमिना पे काम करना है, साथ के साथ मेंटल अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो कि एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सेल्फ डिफेंस का। आप अपनी रिफ्लेक्सिस पे काम कर सकते हो, तो यही चीज़ है जो आपको फाइट के टाइम पे यूज़फुल होएगी। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल नाउ, और पुराने हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आपके लिए सब्सक्राइब करना उतना ही ज़रूरी है, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोज। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।